हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडियो। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं वो आपको पता है दिसंबर के लास्ट में लगे हुए हैं। 19-20-21 को सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं, 19-20-21 और 22-23-24 को आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम ही है। चीज़ तो आपको पता ही। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आज के इस वीडियो में, मैं आपके लिए बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। कभी ना कभी ये क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ सेमेस्टर शांति शिक्षा के। कुछ अति लघुत्तरी क्वेश्चन, यानी मैं आपके लिए जो चौथा क्वेश्चन अति लघुत्तरी के लेकर के आया हूँ, भाई साहब इस वीडियो को देखने के बाद आपके यहाँ जरूर से जरूर आपके प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ये आप लोग जब पेपर आएगा ना उसके बाद आप इस वीडियो का आके और एक कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से आया है या नहीं आया, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि शांति शिक्षा का अर्थ आपको बताना, यानी शांति शिक्षा का अर्थ अगर आपसे पूछा जाता है कि शांति शिक्षा का अर्थ किसे कहते हैं। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे अति लघुत्तरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अति लघुत्तरी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाता है शांति शिक्षा का अर्थ, यानी शांति से हमारा अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें मानव व्यवहार विशिष्ट हो जाता है और इसे मानव की सहज प्रवृत्ति भी कहा जाता है ना। यानी शांति से हमारा अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है, वो एक ऐसी वहां पर स्थिति बन रही है जिसमें मानव के व्यवहार विशिष्ट हो जाता है ना। जैसे कि मानव का व्यवहार जो है वो शांति हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है, एक अलग प्रकार का हो जाता है, और इसमें मानव की सहज प्रवृत्ति कहा जाता है, यानी इसे मानव की सबसे सरल प्रवृत्ति या सहज प्रवृत्ति जो है वो कहा जाता है। बहुत भोलापन, समझ लीजिए, है ना। बात करते हैं यहाँ पर कि वॉर स्टिकर के अनुसार यहाँ पर क्या बताया गया। वॉर स्टिकर के अनुसार कहा गया है, अगर उनके हिसाब से, वैसे वॉर स्टिकर के अनुसार अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि शांति शिक्षा का अर्थ बताना है, या किसी अन्य वैज्ञानिक के अनुसार अगर पूछा जाता है, तो आप स्पेशल उसी वैज्ञानिक का लिखेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे आपसे मान लीजिए क्वेश्चन करता है कि शांति शिक्षा का अर्थ बताइए, तो आप किसी के अनुसार लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाता है कि वॉर स्टिकर के अनुसार शांति शिक्षा का अर्थ बताना है, तो स्पेशल आपको वॉर स्टिकर के अनुसार ही बताना पड़ेगा। अगर आप अलग किसी वैज्ञानिक का लिखते हो तो आपको वहां पर नंबर जो है वो कट हो जाएंगे, क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। बट अगर आप वॉर स्टिकर का ही लिखते हो तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और आपका एक नंबर जो, दो नंबर, एक नंबर जो मिलता है वो आपका कन्फर्म हो जाएगा। स्टिकर के अनुसार देखते हैं यहाँ पर कि शांति शिक्षा से आशय सीखने की उस प्रवृत्ति से है जिसका उद्देश्य क्रियाशील व्यक्ति के आत्मसिद्ध तथा विवादों के तार्किक समाधान से प्रारंभ है। ये किसने कहा था? वॉर स्टिकर ने कहा है। आगे बात करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि शांति शिक्षा के उद्देश्य से बताना है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर लोग सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन को रखते हैं, है ना। अगर आपका उद्देश्य पूछा जाता है शांति शिक्षा का, तो बेसिकली ये क्वेश्चन अगर नहीं रखते ना, तो भाई साहब क्वेश्चन पेपर बनाने वाला भी समझ लीजिए कि क्वेश्चन पेपर नहीं बना पाया है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी निम्न उद्देश्य हैं। जैसे कि पहले अगर हम बात करते हैं डॉक्टर पीवी नायर के अनुसार, या फिर प्रोफेसर के एक बासराज के अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार अगर हम यहां पर देखते हैं, सबसे पहले प्रोफेसर की एक बासराज के अनुसार देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक उद्देश्य बताया था यहां पर कि नवयुवकों में शांति के आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करना, यह शांति शिक्षा का उद्देश्य है। दूसरा, इन्होंने ये भी बताया है कि बालकों में अंतरराष्ट्रीय सद्भावना विकसित करना, है ना। अंतरराष्ट्रीय सद्भावना विकसित होगी तो आपको पता है बालकों के अंदर काफी सारे चेंजेस आएंगे। और अगर हम डॉक्टर पीवी नायर के अनुसार देखते हैं, तो इन्होंने एक बात कही है कि बालकों में सह अस्तित्व की भावना को विकसित करना, यह शिक्षा के उद्देश्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कहता है कि मूल की एक परिभाषा लिखना है आपको, मूल्य की एक परिभाषा लिखना है। जैसे वैल्यू जिसे कहा जाता है, वैल्यू शब्द का उद्भव जो होता है वैल्यूअर शब्द से हुआ है। यदि जॉन जे कॉने के अनुसार अगर यहाँ पर बात करते हैं, यानी जॉन जे कॉने के अनुसार अगर हम यहाँ पर मूल्य की परिभाषा लिखते हैं, क्योंकि मूल्य की परिभाषा अलग अलग अपने वैज्ञानिकों ने अलग अलग तथ्य बताए हैं, तो अगर यहाँ पर हम जे जॉन जे कॉने के अनुसार पूछा जाता है, या फिर अगर स्पेशली आपसे पूछा जाता है मूल्य की परिभाषा लिखिए, तो आप यहाँ पर जॉन जे कॉने के अनुसार भी लिख सकते हैं। अगर स्पेशली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जॉन जे कॉने के अनुसार आपको लिखना है, तो यहाँ पर जॉन जे कॉने के अनुसार ही आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मूल्य वे आदर्श विश्वास या मानक हैं,
मूल्य वे आदर्श हैं, वे विश्वास हैं या वे मानक हैं जिनमें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं, है ना। ये यानी कि मूल्य वे आदर्श हैं, मूल्य को एक से अधिक या समाज के सभी लोग इसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये एक आदर्श की तरीके से होता है और समाज के सभी सदस्यों में आदर्श पाया जाता है, यानी अधिकांश सदस्यों में, सभी में तो नहीं कह सकते हैं, फिलहाल अधिकांश सदस्यों में आदर्श की भावना पाई जाती है। विश्वास, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना, ये भी एक अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं, है ना। तो ये दोनों चीजें की तरह मूल्य होते हैं, इस वजह से मूल्य जो है वो भी सदस्यों में अधिकांश ग्रहण किए होते हैं। ये किसने कहा था? जॉन जे काने के अनुसार बताया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि कहता है हमारा कि तनाव प्रबंधन कौशल से क्या अभिप्राय है। जी हाँ, तनाव प्रबंधन कौशल से अभिप्राय क्या है? यहां पर बताया गया है कि शांति स्थापना की प्रक्रिया में तनाव का आना, अगर शांति स्थापना की प्रक्रिया करते हैं अगर उसमें तनाव आता है किसी प्रकार का, तो वो स्वाभाविक है, क्योंकि अशांति काल में लोगों द्वारा ऐसे कृत्य किए जाते हैं, है ना। शांति में तो नहीं, लेकिन अशांति अगर काल होता है, अशांति काल में लोगों के द्वारा ऐसे कृत्य किए जाते हैं जिनका समाधान शांति काल में भी नहीं हो पाता है, ऐसी गलतियां करते हैं कि जिनका समाधान शांत काल में भी नहीं हो पाता है, और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति शांति स्थापना का प्रयास करता है, जो भी व्यक्ति शांति स्थापना का प्रयास करता है, उसे अनेक ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ता है जो उसमें तनाव को उत्पन्न करता है। जैसे आपके सामने ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं, एग्जाम्पल देता हूं कि आप शांति स्थापना के प्रक्रिया में तनाव आना स्वाभाविक है, क्यों तनाव आता है? अगर आप शांति की स्थापना कर रहे हैं, मान लीजिए आप अच्छा चाहते हैं, तो आप के ऊपर अगर तनाव आ रहा है तो ये आना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि जो आपके सामने कोई गलत इंसान है ना, गलत इंसान है, और उसके द्वारा ऐसे कृत्य किए जाते हैं, ऐसे गलत काम किए जाते हैं जिनका समाधान आप शांति की स्थापना यानी अच्छा कर करके भी उसको अच्छा नहीं कर सकते हैं, समाधान उसका नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में आप उसको अच्छा करने का जब प्रयास करेंगे ना, अच्छा करने का जब प्रयास करेंगे ना, तो आपके सामने काफी सारे समाज के लोगों द्वारा काफी सारे क्वेश्चन किए जाएंगे और ऐसे प्रश्न किए जाएंगे जो जिनको देख करके या जिनको सुन करके आपके दिमाग में झनझनाहट होगी, जिसकी वजह से आप भी तनाव में जा सकते हैं, क्योंकि उन क्वेश्चनों का हो सकता है आप सामना नहीं कर पाए, तो इस वजह से आप डेफिनेटली आप तनाव में जा सकते हैं। ये क्या होता है? तनाव प्रबंधन कौशल से अभिप्राय होते हैं, ठीक है। अगर यहां पर बात करते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन की, जो कि कहता है कि व्यक्ति कौशल के चरण बताना है, तो व्यक्ति कौशल के निम्न चरण होते हैं। पहला चरण आत्मानुशासन होता है, दूसरा सहयोग की भावना या सहयोग करना, अनुकूलन, और उत्तरदायित्व तो और सम्मान करना। ये व्यक्ति कौशल के चरण माने गए हैं, यानी व्यक्ति कौशल के चरणों की अगर बात करता है, तो यहां पर बेसिकली आपको पांच चरण लिख देने हैं, नंबर आपको मिल जाएगा, है ना, नंबर आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर छह क्या कहता है? चिंतन कौशल के प्रकार बताना है, यानी निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है, निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है किसको? चिंतन कौशल को। पहला कौशल क्या हो जाता है? आलोचनात्मक चिंतन, है ना, सॉरी, चिंतन कौशल पहला जो हो जाता है वो आलोचनात्मक चिंतन हो जाता है, दूसरा रचनात्मक हो जाता है, द्वंद्वात्मक हो जाता है, और प्रतिबिंबन हो जाता है। ये क्या है? चिंतन कौशल के प्रकार हैं। अगर चिंतन कौशल के प्रकार से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पांच लाइनें, पांच पॉइंट, पांच वर्गीकरण आपको लिख देना है, नंबर आपको मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, 14 क्वेश्चन, भाई जब आपके लिए जुबा पर रट जाने चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? संप्रेषण कौशल के चरण बताना है, और ये चरण निम्नमत हैं, ये चरण कौन कौन से हैं, जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहला चरण की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो कि पहला चरण कहता है प्रस्तुतिकरण, दूसरा सक्रिय श्रवणता, तीसरा समझौता वार्ता, और चौथा है मूक संप्रेषण, है ना, मूक संप्रेषण। ये संप्रेषण कौशल के चरण बताए गए हैं, ये संप्रेषण कौशल के चरण माने जाते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन कहता है हमारा, 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार शांति शिक्षा का अर्थ बताना है। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार शांति शिक्षा का अर्थ बताना है, वो आपको बताना है। पहला हो जाएगा यहां पर, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर के बारे में, तो शांति का अर्थ क्या होता है? यानी दूसरों के प्रति सद्भावना तथा उन लोगों से समझौता,
दूसरों के प्रति सद्भावना या उन लोगों से समझौता जो धर्म की दृष्टि से भिन्न है, जो धर्म की दृष्टि से भिन्न है, यानी जो दूसरों की भावनाओं की कद्र करना, जिनकी उपासना हमसे भिन्न है, यही सद्भावना, यही शांति है ना। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पर कि जो धर्म होते हैं, धर्म की दृष्टि से जो भिन्न होते हैं, जैसे कि जो दूसरे लोग होते हैं, यानी दूसरी की भावनाओं की कद्र करना या फिर जिनकी उपासना करना, जो हमसे भिन्न होते हैं, यही सद्भावना होता है और यही शांति होती है ना। यही सद्भावना और यही शांति होती है। ये किसने कहा था आपको पता होगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार बताया गया है। किसके अनुसार? डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार बताया गया है शांति शिक्षा का अर्थ। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि अनुच्छेद 22 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 22 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 22 में कहा गया है किसी को भी मनमाने तौर पर गिरफ्तार या नजरबंद या निर्वासित नहीं किया जाएगा। ये किस में बताया गया है? ये अनुच्छेद 22 में बताया गया है ना, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 19, 20, 21 एंड 22 आपको रटा होना चाहिए, आपके काम की चीज है ये, है ना, आपके काम की चीज है। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि नैतिकता के क्षेत्र क्या हैं? नैतिकता के क्षेत्र क्या हैं? तो नैतिकता के क्षेत्रों की अगर यहाँ पर बात आती है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका क्षेत्र जो है होता है वो व्यक्ति होता है। इसका क्षेत्र जो होता है भाई साहब वो व्यक्ति होता है। दूसरा इसका परिवार होता है, स्कूल होता है और समाज होता है। ठीक है, ओके, समझ आ गया ना आप सभी को? बिल्कुल। चलिए, क्या होता है नैतिकता के क्षेत्रों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो नैतिकता के क्षेत्र क्या होते हैं? व्यक्ति होता है, परिवार होता है, स्कूल होता है और समाज होता है। मैंने आपको बताया आर्टिकल 21, जो कि आपको पता होगा, है ना। आर्टिकल 21 क्या क्या कहा गया है? आप कहीं भी रह सकते हो, किसी भी सिचुएशन में रह सकते हो, ये आर्टिकल 21 में बताया गया है। ओके, चलिए, नैतिकता क्या होती है? अब नैतिकता के क्षेत्र हमने देख लिया, लेकिन नैतिकता क्या होती है अगर वही नहीं पता है तो क्या पता है? तो नैतिकता क्या है, यानी नीति के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिकता होती है। यानी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नैतिक शिक्षा के कोई दो उद्देश्य बताना है, तो नैतिक शिक्षा का विकास और आध्यात्मिक विकास, ये इनके दो उद्देश्य होते हैं। यानी नैतिकता का विकास और उसके आध्यात्मिक से रिलेटेड जो विकास होते हैं, ये हमारे नैतिक शिक्षा के उद्देश्य माने जाते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति वर्ष कब घोषित किया गया? कब घोषित किया गया था भैया? 1986 को। जी हाँ, कब घोषित किया गया था मेरे दोस्तों? 1986 को घोषित किया गया है ना। आगे बात करते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन, कि तनाव कितने प्रकार का होता है? सकारात्मक और नकारात्मक। कभी कभी हमारी सोच अच्छी होती है, ठीक है, कभी कभी हम अच्छी चीज़ों को लेकर भी तनाव में आ जाते हैं, और कभी कभी तो नकारात्मक सोच को लेकर के तो हम तनाव में आ ही जाते हैं। कभी कभी हमें अच्छाई जो होती है वो हमें तनाव में ला देती है, कभी कभी जो बुराई होती है वो भी तनाव में ला देती है। इसी वजह से कहते हैं तनाव कितने प्रकार का होता है। तो भाई साहब, तनाव जो होता है वो दो प्रकार का होता है, नकारात्मक और सकारात्मक। आई होप आज के इस वीडियो में आप लोगों ने 14 प्रश्न देखे होंगे, और इन 14 प्रश्नों को उम्मीद करते हैं आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे, क्योंकि भाई साहब यहाँ से आपके प्रश्न बनने वाले हैं, जरूर से जरूर हैं। जो आपका पेपर होने वाला है उसमें आपके ये प्रश्न बनने वाले हैं, तो भाई साहब इन क्वेश्चनों को आप लोग जरूर रख लीजिएगा। इसका जो फोटो है वो टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोड है, यहाँ से जा करके आप उस फोटो को लेकर के आप मोबाइल में सेव कर सकते हो एंड इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप आई होप वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त मित्रों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।